हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आपको मेरी आवाज गुजी भी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर मैं शूट करने हूँ। गाइस, ये हमारा है गैराज, यहाँ पर गाइस हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। वैसे गाइस गरीब के पास सिर्फ दो गाड़ियाँ हैं, फिर भी गाइस गाड़ियाँ तो है भाई। तो भाई यहाँ पे काफी खाली खाली सोना सोना पड़ा रहता है, ठीक है। और भैया एक गाड़ी गई हुई है और गाइस दूसरी गाड़ी भी गई हुई। तो भैया दिक्कत ये है, देखो अभी तो भाई ये काम कर रही है, ठीक है। ये चाय भाई से इतना गड़बड़ कर रही है आजकल, इसका जो ना देखो ये भाई अभी काम कर रही है भाई। कभी कभी ऐसा होता है इसी काम ही नहीं करती, बिल्कुल बंद, बिल्कुल खत्म। तो भाई साहब मैंने किसी से पूछा कि भाई ये गड़बड़ कर रही है, तो भाई ने मुझसे कहा कि एक बार नई चाय पे यूज करके देखो। तो भाई मैंने नई चाय पे यूज करके देखा, भाई काम करता है। इस गाड़ी के अंदर चलते हैं क्योंकि भाई साहब काफी आवाज गूंजी भी आ रही होगी। तो भाई साहब चलते हैं गाड़ी के अंदर। जी हाँ, तो भैया आज गाइस हम यहीं पर व्लॉग बनाने वाले हैं। तो गाइस थोड़ी सी लाइट जला लेते हैं, थोड़ी देर गाइस पूरी लाइट जला लेते हैं। तो बताइए भाई लोग कैसे हालचाल। तो भैया ये रही इसकी पुरानी चाबी, और गाइस लगभग इसे 2 साल हो गए हैं, मतलब मार्च में इसका सेकंड इंश्योरेंस हुआ है गाड़ी का। तो भैया ऐसे 2 साल हो गए हैं, और गाइस सिर्फ मैं ही इस गाड़ी को चलाता हूँ। 10,000 किलोमीटर के करीब गाइस ये नहीं चली है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक 91 से 92 के करीब चली है समथिंग। हाँ देखो भाई साहब वो रही। तो भाई मैं बहुत कम गाड़ी चलाता हूँ, देखो ये रहा 9,275 किलोमीटर का इसी गाड़ी चल चुकी है। तो गाइस मैं सिंगल नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हम गाड़ी में चला ही नहीं रही। आई एम सॉरी। हेलो ब्लू लिंक, तो इसका कुछ देखो, ठीक है ये खुल जाता है इसका ब्लू लिंक। तो भैया मैं सिंगल बंदा हूँ गाइस, यकीन मानिए मेरे अलावा इस गाड़ी कोई नहीं चलाता। अबे तेरी, आज मैं इसे कमांड नहीं दे रहा ना, ये ऐसी गड़बड़ करेगी, एग्जिट कर देते हैं इसे। बहन जी तुम तो एकजुट हो जाओ। तो भैया अगर बाय चांस मैं कहीं जाऊंगा तो मैं इस गाड़ी को ले जाऊंगा, या अगर कोई और जाएगा इस गाड़ी को लेकर तो मैं ही चला के लेके जाऊंगा, या फिर मेरे साथ जाएगा, अकेला कोई लेके नहीं जाता इसे। तो गाइस इसकी सर्विस भी हो गई थी, तो गाइस मैंने आपको व्लॉग दिखाया नहीं, मतलब व्लॉग तो मैंने बनाया था पर डाला नहीं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। हो सकता है मैं शॉर्ट बनाकर डाल दूं, ठीक है। चलो भाई साहब इस चाबी पर आते हैं। तो भैया किसी ने मुझसे कहा कि भैया नई चाबी यूज करके देखो, तो भाई साहब मैं नई चाबी यूज करके देखा। ये भाई साहब न्यू चाबी, इसके देखो भाई साहब क्या मस्त लग रही है बिल्कुल, ठीक है। ये काम नहीं करेगी भाई, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ इसलिए। वैसे देखो ये रहा। तो भाई ये भाई साहब बिल्कुल मस्त काम करे, देखो यार। तो भाई मुझे पता लगा, सही बात है यार, इसका सेल वीक हो गया है, इस चाबी का सेल वीक हो गया है। 2 साल हो गए, किसी का 3 साल में, किसी का 2.5 साल में सेल वीक हो जाता है, ठीक है। तो भैया सेल वीक हो गया, और अभी गाइस ये काम कर रही है, फिर गड़बड़ करेगी, फिर काम करेगी, फिर गड़बड़ करेगी, इस तरह गाइस मुझे ऐसी जगह फंसा देगी भाई साहब। सपोज करो कि भाई मैं कहीं बाहर घूमने चला गया, तो भाई वैसे मैं लोकल में जाते रहता हूँ, लेकिन बाई चांस मेरा मूड बना रहता है भाई, मैं कुछ दिन में जाने वाला हूँ गाइस, एक हफ्ते की छुट्टी मारूंगा, दोनों चैनल पे छुट्टी, वीडियो नहीं डलेगी एक हफ्ते तक। वरना भाई देखते हैं कहाँ पे जाऊँ मैं, कुल्लू मनाली या मसूरी देहरादून, वहाँ गाइस शॉर्ट बनाकर डाल दूंगा, जहाँ भी रहूंगा तो गाइस कनेक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया ये बैठे हमारे फौज भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ भैया 9 बजे वीडियो अपलोड होगी, टाइम के रास्ते का मतलब। तो भैया मैंने आज तक इसे देखा नहीं है, चाबी को खोल के मैं कैसे होगी। तो भैया आज देखते हैं गाइस इसका ऑपरेशन करेंगे गाड़ी की चाबी का। वैसे गाइस हुंडई में मैं चला गया, मतलब शोरूम में चला गया, कितने रुपए लेंगे, आई थिंक 1,000-2,000 रुपए तो ले लेंगे यार, है ना, इससे कम क्या बात बनेगी, क्योंकि इस गाड़ी की जो वारंटी है वो निकल गई है। वैसे 2 साल की 3 साल की होती है शायद, है ना, देखते गाइस हम चेंज करके, अगर हो जाते ठीक, वरना गाइस क्रेटा वालों भी देंगे, हुंडई वालों को, हुंडई। चलो हाँ, तो भाई मैंने इस पर कवर चढ़ा रखा था भैया, भैया ये बड़ी मुश्किल से निकलेगा यार ये, फिर भी गाइस देखते हैं कोशिश करके। अरे भैया तोड़ दिया भैया, बच गया। इस तरह से भाई इस पर ये कवर चढ़ा रखा मैंने भैया, एक ही कवर है गाइस मेरे पास, वो भैया देखते हैं इस गाड़ी की क्या कंडीशन है, ठीक है। ये देखो भैया, हाँ भाई इस पे थोड़े से निशान पड़ गए, देखो ये रे, ठीक है, और देखो ये रे इस पे निशान पड़ गए, बाकी तो भाई ये सही है। और नए वाली का इस बात ही कुछ और है, मेरी अंगूठी कैसी की तैसी पड़ी है दोस्त, ये न्यू है, ठीक है। चलो वैसे देखते हैं, मुझे इतना तो पता ही, यहाँ से जो ना इसकी निकल जाती है, आई थिंक जो इसकी फिजिकल की है, देखो ऐसे। ओहो, पर एक दिक्कत है यार, सपोज करो इस गाड़ी की चाबी, इसकी बैटरी डाउन होगी, इसने उन्होंने दे रखा है, तो भाई हम गाड़ी स्टार्ट कैसे करेंगे यार, उसका सोल्यूशन यार मुझे नहीं पता। हाँ हो सकता है यूट्यूब पर हो तो मैं देख लूंगा, क्योंकि वैसे गाड़ी के अंदर तुम आ जाएंगे, वैसे गाड़ी स्टार्ट कैसे करेंगे। चलो खैर गाइस देखते हैं। तो भैया ये कैसे खुलेगी यार, ये खुल तो गया, देखिए निशान तो नहीं पड़े, नहीं यार हार्ड बहुत है भाई ये। ओहो हो 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 हो, लो भाई साहब इसी का ऑपरेशन कर दिया। तो भैया जी ऐसे गाइस गड़बड़ रहेगी, भाई एक काम करते हैं, स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पर गाइस की थोड़ी सफाई भी करेंगे चाबी की, तो गाइस की बैटरी के वोल्टेज भी चेक करेंगे, कौन सी बैटरी लग रही है वो भी देखेंगे यार, जो मतलब मजे स्टूडियो में ना गाइस, हर तरह का वहाँ पर टूल अवेलेबल है, तो भाई वो मजा भाई साहब स्टूडियो में आ पाएगा। चले भाई साहब फटाफट चलते हैं, भाई कुछ टूटा वूटा तो नहीं है? नहीं भाई टूटा वूटा तो कुछ है नहीं। चले भाई साहब इसे भैया ऐसे लेकर चलते हैं, मिलते हैं भाई साहब स्टूडियो में, ठीक है। हाँ तो गाइस भैया मैं अपने स्टूडियो में आ गया हूँ, और काफी लोगों ने गाइस पहली बार देखो होगा, समय डेली देखे यार पगे यार, खैर जो बात है वो अलग मामला है। फौजी भाई मुझसे पहले आ गए थे, फौजी भाई से रखो, फौजी भाई बहुत फास्ट आदमी है। अबे यार ये जनरेटर ट्रैक्टर वैक्टर क्यों आता भाई जब मैं शूटिंग करता हूँ। ओ माय गॉड ये रहा,
ट्रैक्टर वाला आया भैया कचरा निकाल, ट्रैक्टर वाला कचरा खुद निकाल देगा। तो भैया देखते हैं इसका कुछ, थोड़ी सी दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा। तो भैया ये रही चाबी। वाह भाई साहब देखा क्या मस्त है भाई, ये रहा रेंज भाई साहब, है क्या मस्त रेंज है भाई इसकी। इसे भी यार ओए होए देखो भाई साहब डबल डबल लगा रखा है, डबल डबल इसे भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ओए 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 ये नहीं निकलेगा, चलो ये अच्छी बात है गाइस की नहीं निकल रहे, ठीक है थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और इसे भी साफ कर लेंगे। वैसे यार साफ है, साफ नहीं जरूरत ना, चाबी का काम तो गाइस है ये था, और ये थोड़ी सी पुरानी हो गई ना इसलिए। चलो भाई ये ठीक है, ये लग गई भाई साहब, ये अच्छे दे रखा है उन्होंने डबल डबल, जिससे गाइस इसके अंदर आई थिंक पानी भी नहीं जा पाएगा एकदम से, बस जल्दी पानी नहीं जाएगा। और भैया अब आती है सेल की बारी, यार इस सेल निकालने के लिए ना मुझे स्क्रू ड्राइवर लाना पड़ेगा। हाँ तो भाई पतली नोक का पेचकस स्क्रू ड्राइवर, ये भैया देखेंगे इस कौन सा लग रहा है इसमें, मतलब बैटरी का नंबर क्या है भाई, जो बात है भाई भारी बैटरी है भाई, ओहो 20-32 बैटरी लग रही है, बच्चों की पहुंच से दूर रखे हैं इसका साइन है, और ये बैक्सेल लिथियम बैटरी है मेड इन चाइना। ठीक है भाई एक बार भाई इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे, वैसे गाइस यकीन मानिए भाई मैं चेक करने के बाद ही, मतलब कि ये जो इसका की है ये बहुत गड़बड़ करता है, उसके बाद गाइस मैं चेंज कर रहा हूँ ठीक है। मल्टीमीटर मिलेगा ये रहा, और भाई बैटरी का जो बैग है गाइस वो भी ले लेते हैं, वो अंदर भी एडिटिंग चल रही है तो इसलिए मैं थोड़ा भाई बाहर ही बना रहा हूँ वीडियो। तो भैया आज मैंने लाइफ में पहली बार क्रेटा की चाबी खोली, कितनी गाइस मैं गाड़ी का इंजन भी खोल दूंगा। 3.06 वोल्टेज गाइस ये शो कर रहा है अभी फिलहाल, पता नहीं गड़बड़ी करता है। खैर मेरे पास गाइस बहुत सारी बैटरी है ऑलरेडी, ये कौन सी है, हाँ ये 20-32 ठीक है, और भी है लेकिन गाइस ये थोड़ी सी छोटी है इसके मुकाबले, CR 16-20 16-20। तो भाई ये वाली बैटरी लगेंगी इसमें, थोड़ी सी गाइस मैचिंग कर लेते हैं सेल की बैटरी की। तो भाई ये रहा इस तरीके से गाइस, ये भी 3 वोल्ट ये भी 3 वोल्ट, यार बैटरी तो ठीक लग रही है लेकिन गड़बड़ कैसे कर रही है। खैर मैं चेंज कर देता हूँ फिर भी, तो इसमें देखते हैं कितना वोल्टेज दिखा रहा है। हाँ इसमें गाइस थोड़े से ज्यादा वोल्टेज है, 3.34 वोल्टेज है, ठीक है नई बैटरी में ये 3.34 वोल्टेज, हो सकता है इसने कुछ ये गड़बड़ कर रही हो। एक तो भाई गिर जाती है तो उठते नहीं है, बड़ी दिक्कत है बॉस। देखो भाई इसमें 3.06 वोल्टेज है, ठीक है यानी गाइस ये वीक होगी बैटरी, लेकिन इतनी वीक नहीं है लेकिन भाई गड़बड़ कर रही है, जो बात है गड़बड़ करेगा इस मेन चीज भाई है। देखो भाई ये प्लस का साइन लग रहा, ठीक है तो भाई ये प्लस जो है इसका ये वाला एरिया होता है, ऐसा में लगा देंगे यार एक बार, मोटे वोटे देख ले, मोटे ठीक है सेम है दोनों। हाँ भाई बिल्कुल दोनों सेम है, कंपनी गाइस थोड़ा सा फर्क है। वैसे गाइस अच्छी कंपनी लगानी चाहिए भाई बैटरी, ये लोकल है लेकिन गाइस सब मेड इन चाइना नहीं है। तो फिलहाल गाइस मैं ऐसा लगा रहा हूँ, देखते गाइस कब तक ये चलती है, और ये ऐसी लग जाएगी, लग गई आराम से, और चेक भी करेंगे बेफिक्र हो यार, सब चीज चेक करेंगे अच्छे तरीके से। चलो भाई साहब इसे लगा देते हैं भैया, ये इस तरीके से ये 2 पिन है, ये भाई इस पर लग जाती है और भाई ये इस नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है, वल्लाह भी होगा वरना गाइस, और भाई हर चीज देख के लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ये छोटी सी LED है जो ग्लो करती है, और भाई LED की जगह है ये रबड़ का, देख सकते हो, तो इतनी कोई जल्दबाजी है नहीं गाइस देखा जाए तो, थोड़ा प्यार से करें। और भाई मेरे को नहीं पता कि शोरूम पे कितने रुपए इसके मांगेंगे, 1500 से कम यार क्या जाएंगे वो, है ना ये कि भाई हमारा सेल बहुत अच्छा है, हमारी बैटरी बहुत अच्छी है, हम कंपनी के लगाएंगे Hyundai कंपनी के लगाएंगे, लेकिन ये दूसरी लगा रखी उन्होंने। खैर कंपनी का ये हर प्रोडक्ट नहीं बना सकती, सब असेंबल होता है, ठीक है। हाँ कुछ प्रोडक्ट वो बनाती है और कुछ वो असेंबल करती है, वरना का इस कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी। और भैया कुछ रहता ना क्या, हाँ भाई सब ये रह गया, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, थोड़ी सी क्रोम फिनिश के लिए है ये, और भाई मैंने भी की को साफ नहीं करी है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगी, की को साफ करने की खास जरूरत है नहीं। चलो भाई ये यहाँ से लग गई है, और भैया ऐसे वापस लगा देते हैं, वाह कटाक, और एक बार देखा चला कर, ओह काम कर रहा है गाइस, ठीक है। और भाई इस सेल को हम फेंकेंगे नहीं, याद के लिए रखेंगे। चलो भाई देखते गाइस गाड़ी पे जाके कि भाई ये कैसा काम कर रहा है, और इसे साफ करने की कोई खास जरूरत है नहीं क्योंकि इसे कवर गंदे रहता है, साफ करेंगे तो गाइस दोबारा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करते। मैं नहाते हुए इसलिए नहीं क्योंकि दोबारा गंदा हो जाएगा, मैं छोड़ा गया क्या करूंगा, डेली पानी बहूंगा, डेली नंगा होऊंगा, फिर नहाऊंगा क्या फायदा, इसलिए भाई थोड़ी मैं शर्म कर लेता हूं, मैं नहाता ही नहीं, पानी बचाता हूं, और भाई कपड़े भी जल्दी जल्दी नहीं धुलते। अब चलते गाइस फटाफट भैया अपनी गाड़ी के पास। हां तो गाइस खैर ये गाड़ी के पास आती, गाड़ी रेक्ट करती है चाबी आती, ये जो इसके ओरियो में ये खुल जाते हैं, और हाँ वैसे गाइस ठीक है मस्त है अभी तक तो गाइस अच्छा काम कर रही है। वैसे मैंने भाई से वीडियो बनवाई थी इसकी कि भाई क्या पता ये गड़बड़ करे, मुझे कंपनी में दिखाने पड़े, मुझे नहीं पता था गाइस इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। भाई तो आए थे यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी साफ कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, तो जो ये की है या चाबी है या रिमोट है काम नहीं कर रहा है। मैंने भाई से कहा कि भैया इसकी वीडियो बना लो, तो अगर वीडियो पड़ेगी तो गाइस मैं लगा दूंगा। ये भी देखो गाड़ी यहाँ खड़ी है, और ना देखो लॉक हो रही है और ना अनलॉक से कुछ हो रहा है, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसे मैंने रख दी है यहाँ, गेट बंद है और मैंने क्लच भी दबा दिया, अभी स्टार्ट का बटन दबाया तो ये बोल रहा है,
कीनोट फोन, ये कीनोट डिटेक्टेड, ये रखी की, ये रहा है। अभी तो गाइस फिलहाल अच्छा काम कर रहा है, मैं आपको एक बार गाइस नई भी दिखाता हूँ। देखो भाई ये नई वाली की है, ठीक है, रखते हैं साइड में। और भाई देखो नई आपको अलग ही दिख जाएगी यार, ये रही स्टिकर। और भाई ये पुरानी है, इसका स्टिकर आपको अलग ही दिख जाएगा वैसे भी। ये अच्छा बटन दब गया, ये पुराना है, ठीक है। तो भैया फिलहाल तो गाइस ये अच्छा काम कर रहा है यार, पहले काम नहीं कर रहा था यार ऐसे है, देखो मस्त बॉस। हाँ तो गाइस अब देखते हैं भैया कितने दिन ये चलता है, जिसका बैटरी है, इसका सेल है। और भाई मेरे को नहीं पता कंपनी में मैं लेके जाता भाई कितने रुपए मांगते इसके। खैर गाइस प्लीज दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो नीचे कि भाई कितने रुपए मांग सकते थे इसके, क्योंकि गाइस ये काफी कॉस्टली है, ठीक है। और ये ज्यादा एडवांस काम कर रही है, मस्त जो बात है, मजा आ गया एकदम से काम करिए, तुरंत रिएक्ट अच्छा कर रही है। तो ठीक है भाई, देखते भाई कितना चलता है सेल, वरना गाइस आप ओरिजिनली अच्छा ही सेल डालें। पैनासोनिक का भी आता है आई थिंक, अलग अलग कंपनी का आते हैं इसमें सेल। ये वाली बैटरी ली मैंने, बैटरी आई मैं सेल बोल रहा हूँ, छोटा छोटा ये सेल लगता है, इसलिए गाइस मेरे मुंह से बार बार सेल निकल रहा है। तो भैया सारी बात ये कि गाइस टोटल मिला के अच्छा काम कर रहा है, और गाइस हमने एक और अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है अपनी गाड़ी का, क्रेटा का, यहाँ पर इसका बैटरी चेंज कर दिया मेरा, गाइस सोचा मेरा भाई ऐसा होगा। तो गाइस आपको एक बात और बता दूं भाई, जब भी आप बाहर जाओ गाड़ी को लंबे टूर पर जाओ तो प्लीज दोस्तों एक बार चेक कर लें कि भाई बैटरी ठीक है, वरना गाइस आप ऐसा कर सकते हो भाई आप नई चाबी लेके चले जाओ, भाई गड़बड़ कर जाती है भाई, बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और गाइस प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि भाई साहब बैटरी ठीक होनी चाहिए, वरना गाइस ये गाड़ी डिब्बा है बिना बैटरी के। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।